जा रही है, बीजेपी का गठबंधन हारने जा रहा है, एक महाहार होने जा रही है बीजेपी गठबंधन, एक माहौल बनाया जा रहा है कटोगे बटोगे के नारे के साथ, जो महाराष्ट्र में भी देखने को मिल रहा है, जगह जगह पोस्टर चिपकाए जा रहे हैं, क्या लगता है क्या प्रभाव डालने वाला नारा है या? ये जब बीजेपी पे बेरोजगारी, महंगाई, बॉर्डर सिक्योरिटी, इंटरनल सिक्योरिटी, अग्निवीर, फौज की भर्ती, नौकरी सरकारी, आरक्षण, संविधान पे जब जवाब नहीं होता है तो इसी तरह से उनकी लैब में ये तैयार होता है। और देखिए उनकी जो लैब है, अब वो जानकारी हम लोगों को करनी पड़ेगी वो लैब कहाँ पर है, उनकी जो रिसर्च लैब है उसी का ये नारा है, और उसी रिसर्च लैब ने ये भी नारा दे करके ये कहा कि सबसे अच्छा किसी के चेहरे पर अच्छा लगेगा वो हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। तो सोचिए रिसर्च कर करके वो नारा बनाया गया किसी लैब में। उन्होंने ये भी बताया कि सबसे अच्छा किसके माध्यम से जाएगा, वो नेता भी उन्होंने ढूंढ करके नाम बता दिया, वो हमारे मुख्यमंत्री निकले उत्तर प्रदेश के, उन्हीं से कहलवाया गया है। इसलिए इस चुनाव में पीडीए की रणनीति बीजेपी के कोई भी खराब नारे का मुकाबला करेगी, और ये बीजेपी के लोग जानबूझ करके नफरत फैलाना चाहते हैं। बहराइच में हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से हिंदू मुसलमान ये करना चाहते थे, लेकिन उसकी वहां पर घटना जरूर हुई, जाने गई और नुकसान हुआ, ये सब भारतीय जनता पार्टी ने किया। और देखिए भारतीय जनता पार्टी किस स्थिति पे पहुंच गई है कि उन्हें अपने ही कार्यकर्ता पे एफआईआर लिखानी पड़ रही है। अभी तो एफआईआर लिखाई है, अभी आप देखना कुछ दिनों बाद ये सरकार चलेगी, कभी बंटवारे को लेकर के, कभी लूट को लेकर के, कभी पद को लेकर के, जो लखीमपुर में हुआ था कि बीजेपी के विधायक को छापड़ पड़ गया, वैसे ही होने जा रहा है उत्तर प्रदेश में, आप देखते रहिएगा। भाजपा विकास के